यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी एसपी की खास क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने ही बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ खौफनाक साजिश रच डाली। मामला देवरिया जिले का है, जहां पर एसपी प्रभाकर चौधरी को ही क्राइम ब्रांच की टीम ने बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल दो दिन पहले रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हिरंदापुर गांव के पास एक राइस मिल में अवैध शराब की सूचना देवरिया जिले के एसपी प्रभाकर चौधरी को मिली। एसपी प्रभाकर चौधरी ने अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस टीम क्राइम ब्रांच को लगाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब का सौदा 10 लाख रुपए में कर डाला और एसपी को यह सूचना दी कि राइस मिल में कोई अवैध शराब नहीं है। लेकिन एसपी के मुखबिर ने फिर सूचना दी कि राइस मिल में अवैध शराब रखी हुई है। एसपी ने छापा मारकर 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब को बरामद कर लिया। अब एसपी प्रभाकर चौधरी ने क्राइम ब्रांच की टीम के खिलाफ जांच कराई तो 10 लाख रुपए में अवैध शराब का सौदा करने का मामला खुल गया और सीसीटीवी फुटेज में ये सब करतूत रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद एसपी ने पूरी टीम को निलंबित करते हुए बर्खास्त करने की संस्तुति शासन से कर दी। ये बात जब क्राइम ब्रांच के 5 सदस्यीय टीम को पता चली तो पूरी टीम ने एसपी प्रभाकर चौधरी के खिलाफ एक गहरी साजिश रची और ईमानदार एसपी को भ्रष्ट बताकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी, जिसके बाद एसपी प्रभाकर चौधरी ने पैतरा बदलते हुए देर रात प्रेसवार्ता में इन बातों का खुलासा किया और मीडिया को क्राइम ब्रांच की टीम की काली करतूत और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम की साजिश कैद हुई है। एसपी ने बताया कि इस तरह के केस से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है और पुलिस की बदनामी भी हुई है। ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में करीब 2 करोड़ का नकली शराब पकड़ाया था। पूरे मामले की छानबीन हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे का शराब था, तो जब छानबीन हुई तो उसमें पता चला कि क्राइम ब्रांच के कुछ सिपाही पहले ही जाकर के उस जगह पे हो आए थे और उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। साथ में जो भी लोग थे उनसे 10 लाख रुपए गोरखपुर से मंगा के ले लिए गए थे और इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे पहले डीलिंग हुई थी कि कैसे क्या करना है, वो भी गगन होटल से प्राप्त किया गया। जो भी वहाँ लोग थे, चौकीदार थे, सभी के वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दर्ज हुए और ये पता चला कि एक बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है और लोगों का भरोसा भी खत्म होता है। इसको देखते ही उनको निलंबित किया गया, प्रारंभिक जांच करा के 24 घंटे के अंदर निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद विभागीय कार्रवाई रिमूवल या डिसमिसल के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई है और इससे क्षुब्ध होकर, जैसा मुझे लोगों ने बताया है कि उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं जिसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की है। आरोप के बारे में जैसा मुझे बताया गया है कि उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ वो ऐसे नहीं है, जबकि पूरा हिस्ट्री पता की गई तो इसके पहले जनपद बहराइच से भी इसी तरह से पूरी टीम भंग हुई थी और उसी में से यहाँ पे लोग हैं जिनके द्वारा लोगों से अवैध वसूली की बात प्रकाश में आई थी। तो हिस्ट्री शीटर है, लेकिन चूँकि ये था कि काम थोड़ा ठीक करेंगे ये सोच के यहाँ पे थे और उन्होंने फिर से एक बार भरोसा खोया और इस बार विभाग से निकालने की तैयारी चल रही है।